भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में करेंटली हमें ओडीआई सीरीज़ देखने को मिल रही है, और इसके बाद भारत और जिम्बाब्वे के बीच में सीरीज़ होनी है। उसके बाद भारतीय टीम एशिया कप खेलेगी और उसके बाद फाइनली वो मुकाबला या फिर वो पड़ाव आ जाएगा जिसका सभी को काफ़ी ज़्यादा इंतजार है, और यह है T20 वर्ल्ड कप। इस बार के T20 वर्ल्ड कप में उम्मीदें भारतीय टीम से काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि T20 सेटअप में भारतीय टीम कहीं ज़्यादा बैलेंस नज़र आ रही है ODI के मुकाबले में। और ऐसे में भारतीय टीम के इस T20 वर्ल्ड कप में जाने से पहले उस बैलेंस के रिगार्डिंग बहुत ही तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि सबसे पहले KL राहुल जो कि जर्मनी में अपना इलाज कराने के लिए गए थे, वो वहां से इलाज होने के बाद अपने रिकवरी की प्रोसेस में ही थे कि उनकी रिकवरी के ऊपर एक और बहुत ही ज्यादा बड़ा संकट आ चुका है, और ये है कि वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अब कोविड से बाहर आने में उसके बाद इनके रिकवरी को वापस से लेवल जीरो से स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें काफी ज्यादा टाइम लगने की उम्मीद है। और ऐसे में वर्ल्ड कप से पहले KL राहुल की अवेलेबिलिटी के ऊपर एक काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है। इनके साथ ही दूसरी बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आई है रविंद्र जडेजा के साथ। दरअसल जडेजा की बात की जाए तो ये पिछले काफी टाइम से हमें लगातार इंजर्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले इंजर्ड होते हैं, उसके बाद ठीक होते हैं, वापस से इनको इंजरी हो जाती है, और ऐसा ही कुछ हुआ है जहां पर रविंद्र जडेजा की टीम उनको एक छोटी सी इंजरी हो गई थी जो कि बाद में निगल में कन्वर्ट हो गई, और उसके बाद रविंद्र जडेजा हमें भारत वेस्ट इंडीज की पूरी सीरीज से बाहर होते हुए नजर आ चुके हैं। और इसके साथ ही अब ये बात बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि कितना टाइम इनको रिकवर होने में लग जाएगा। ऐसे में इनकी अवेलेबिलिटी भी क्वेश्चनेबल हो चुकी है T20 वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।